हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर वो आ गया देखो। हेलो गाइस गाइस, अभी मैं हूँ हेलीकॉप्टर में। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हेलीकॉप्टर में क्यों हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ साउथ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे मुझे खोजना है वहाँ का सबसे खतरनाक सांप, और मैं उसका नाम तो आपको नहीं बताऊंगा, वो आप वीडियो एंड तक देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और मैं जाके मेन पॉइंट पे खड़ा हूँ। क्या बोला तूने? और मैं वहाँ सभी कूदूंगा, तो मुझे कूदने के लिए जो जो सामग्री लगेगी वो मैं लूंगा। ये देखिए, अभी मेरे पास हेलमेट है, इसे मैं पहनूंगा, मेरी सेफ्टी के लिए है, ये पहन लिया। और मैं जब कूदूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा क्या होते मेरे आँख में कुछ चला ना जाए, तो इसे मैं गॉगल्स पहन लेता हूँ। ये रहे गॉगल्स, दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये पहन लिया, लगाऊंगा ना हीरो। ये तो टट्टी है। मैं रेडी हूँ कूदने के लिए, तो चलिए मैं भी चल रहा हूँ कूदने के लिए, यहाँ से नीचे चलता हूँ। मैं तैयार हूँ कूदने के लिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए, तो मैं काउंटिंग करूंगा, आप लोग भी मेरे साथ काउंटिंग कीजिए। तो तैयार है, 1 2 3 सेफ लैंडिंग। तारे जमीन पर दोस्तों, मैं हूँ आपका कोबरा। अच्छा नमन, मुझे एक बात बताओ, आज सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे बन गया? तुम्हें नहीं पता, आज हम लोग जिसकी तलाश में है वो रात ही में शिकार कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉमन क्रैब, जिसे हम लोग इंडियन क्रैब के नाम से जानते हैं। वो ज्यादातर रात ही में एक्टिव होते हैं, मतलब वो रात में ही ज्यादातर शिकार के लिए जाते हैं, तो हम आज उसे ही पकड़ेंगे और ये सफर बहुत ज्यादा मजेदार होगा। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे मैं तुम्हारा काम डिस्टर्ब करने नहीं आया, अगर आपको कोबरा में इंटरेस्ट है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जो अभी मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो खत्म होने के बाद जाना उस वीडियो को देखना। कल पहली फुर्सत में निकल। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। ओके बाय बाय, फुर्सत से तू निकल। हाँ गाइस, ये निकम्मा निकल चुका है, तो मैं आप लोग को बताना तो भूल ही गया कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हुआ हूँ वेस्ट बंगाल, क्योंकि यही वो जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन क्रैब, जिसे इंडियन क्रैब भी बोलते हैं, तो वो यही पे ज्यादा पाया जाता है। तो चलिए हमारे साथ आ गया। कॉमन क्रैब, जिसे हम लोग इंडियन क्रैब के नाम से जानते हैं, ये सांप ज्यादा रात ही में शिकार करते हैं, और इंसानों से भी इनकी रात में मुठभेड़ हो जाती है कभी कभी। ये जो सांप होते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक वेनम से लेस होते हैं गाइस, और ये सांप इंडिया में साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल में ज्यादातर पाए जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान और भूटान में पाए जाते हैं। गाइस बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें ये कॉमन क्रैब नहीं मिला। और गाइस मुझे डर इस बात का लग रहा है ना, कि ये जो कॉमन क्रैब होते हैं ना, ये हाइबरनेशन में चले गए होंगे, क्योंकि अभी ठंडे की मौसम है और इस टाइम पे ये लोग हाइबरनेशन में चले गए होंगे, तो इसलिए मैं उन्हें कैसे करके खोजूंगा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तुम और गाइस, मैं आपसे 2 मिनट बाद मिलता हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अरे गाइस, वहाँ पे कुछ है, आइए जल्दी। कमेंट दिखाओ 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 गाइस, देखिए जरा ज़ूम करो, ये देखिए गाइस, ये है कॉमन क्रैब, इंडिया का सबसे खतरनाक सांप। गाइस देखिए कॉमन क्रैब कैसे दीवारों पे चढ़ा हुआ है, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये दीवार पे कैसे चढ़ा, क्योंकि ये जो दीवार है ये थोड़ी सी खुरखुरी है, तो इसलिए ये उसमें चढ़ जा गया। और ये जो सांप होता है ये चढ़ने में माहिर होता है, तो अब मैं इसे पकड़ूंगा, तो मैं मुझे पहले अपने बैग को उतारना होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बोझ है। तो गाइस अब मैं इसे पकड़ूंगा, कैमरा मैन थोड़ा सा दूर हो जाओ। देखिए इसे मैं पकड़ रहा हूँ, ये तो मुंह अपना ऐसे किया हुआ है, तो मैं इसे गिराने की कोशिश कर, अब मैं इसे गिराऊंगा। ये मैं एनिमल्स को हार्म नहीं कर रहा, लेकिन यही एक तरीका है कि जिससे मैं कर सकूं। अरे पकड़ लिया, ये थोड़ा गुस्से में नहीं है। अरे ये गिर गया, क्या कहाँ गया? ये रहा ये रहा, ये भाग रहा है, भाग रहा है। मुझे इसके मुंह को कैसे खोदना है, ये हाँ इसके मुंह को मैंने पकड़ लिया, ये आ जा, आ गया। देखिए ये देखिए, ये है कॉमन क्रैब, भारत का सबसे खतरनाक सांप। ये देखो कैमरा मैन, घुस जाओ सांप, घुस जाओ। हाँ रात में ज्यादा शिकार करते हैं, और इस सांप
जो होते हैं ना, ये सांप अगर आपको काट ले तो आपको नहीं पता चलेगा कि कॉमन क्रैट पता, क्योंकि ये जो काटते तो लगता है चींटी काटा है, और इसलिए हमारे भारत में ये सांप काटते हैं तो आदमी को लगता है चींटी काटा, लेकिन नहीं, ये काटते, तो आप ध्यान दें इसके लिए। और ये जो सांप होते हैं ना, ठंडे के मौसम में ज़्यादा ये केस आते हैं कि ये सांप गाँव गाँव के जो इलाके में ज़्यादा घुस जाते हैं, किसी के चादर में ही घुस जाते हैं। और ये जो सांप होते हैं, ये सांप दीवारों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। और अगर दीवार एकदम प्लेन हो तो ये नहीं चढ़ पाते हैं, और खुरखुरा दीवार हो तो ये लोग उसके ऊपर एक एक करके चढ़ जाते हैं। और इस सांप जो होते हैं, ये बहुत शर्मीले स्वभाव और शांत स्वभाव के होते हैं। देखिए अभी मेरे हाथ में कैसे है, एकदम शांत है। और इस सांप को अगर आप छेड़ेंगे तभी ये आपको काटेगा, ऐसे ये नहीं काटेगा। और इस सांप की एक खासियत है कि ये वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज़्यादा ये 9 फीट तक पाया जाता है, ऐसे बाहर ऐसे बहुत रेयरली किसी जगह पे ये 9 फीट तक, ऐसे इनका मैक्सिमम फीट तो 5 फीट है, लेकिन अभी जो मेरे हाथ में आप सांप देख रहे हैं ये कम से कम 1 फीट का तो होगा, जितनी मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सांप होते हैं, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गाइस, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, ये इसे क्या बोलते हैं, वुल्फ स्नेक समझने की गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने अपने चैनल पे एक इसके लिए एक स्पेशल क्या बोलते हैं एनालाइज किया है इस पे, और ज्यादा डीपली एनालाइज। तो मैं आपको वीडियो क्लिप देखिए जिस एनालाइज में हम लोग करेंगे, आज हम लोग करेंगे डीपली एनालिसिस वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक में दो सांपों को एनालाइज, और वो है ये दोनों सांप, वुल्फ स्नेक और कॉमन क्रैट। एक है वेनमस और एक है नॉन वेनमस, देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इनको मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ जिसे आप एनालाइज कर सकते हैं, ये स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वुल्फ स्नेक होते हैं, उनके सर के पास व्हाइट कलर का पैटर्न होता है, और जो कॉमन क्रैट होते हैं उनके सर के पास कोई पैटर्न नहीं हो सकता, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो गाइस, बहुत जानकारी हो चुकी है और हमारा सफर यही खत्म होता है, तो चलिए अब मैं इसे छोड़ देता हूँ। आओ मेरे पीछे पीछे यहाँ पे, इसे मैं पकड़ने के लिए स्टिक ले आया, एक तो, अब मैं इसकी फोटो क्लिक करूंगा इस साइड से, हो गया। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।